माननीय समीर उरांव जी, आदरणीय उपसभापति महोदय, सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे रेल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सदन के समक्ष अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। महोदय, रेल का इंजन देश के विकास का इंजन है। 1837 में जो है मालगाड़ी और 1853 में सवारी गाड़ी प्रारंभ होने से लेकर के आज तक भारतीय रेल भारत के आम जनों का एक जीवन रेखा बन गई है और आवागमन का प्रमुख साधन बनी हुई है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से रेलवे को नए भारत की रेल व एक आधुनिक रेल व्यवस्था के रूप में विकसित किया जा रहा है, मुझे विश्वास है कि जल्द ही भारतीय रेलवे विश्व की सबसे आधुनिक सेवाएं उपलब्ध करने वाली रेल व्यवस्था होगी। महोदय, सभापति महोदय, सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति से पिछले 6 वर्षों में भारतीय रेल ने ऐसे कार्य किए हैं जो विश्व के लिए उदाहरण बन गए हैं। महोदय, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू और कश्मीर में चिताब नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। इस पुल के निर्माण से जम्मू कश्मीर उसी प्रकार से भारतीय रेल के अन्य मार्गों से जुड़ेगा जिस प्रकार से जम्मू और कश्मीर धारा 370 हटाने के पश्चात भारत की भावनाओं से जुड़ा है। महोदय, स्वच्छ भारत अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के सपना था और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भारतीय रेल भी बढ़ चढ़कर इस अभियान की भागीदारी बनी और आज इसका परिणाम हम सभी के सामने है कि किस प्रकार से देश के स्टेशनों को स्वच्छ किया जा रहा है। रेल में बायो टॉयलेट को बढ़ावा देकर किस प्रकार से रेल डिब्बों में स्वच्छ किया गया है, मैं इसके लिए माननीय रेल मंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। महोदय, देश के सामान्य लोग कुछ वर्ष पूर्व वक्त तक जो सिर्फ रेल जो व्यवस्था थी उसको ठीक करने के लिए सोचते थे कि ठीक हो जाए तो अच्छा है, लेकिन ये जो है हमारे इस देश में इस प्रकार से जो व्यवस्थाओं को पिछले दिनों में किस प्रकार से शुरू किया है, महोदय, मैं सोचता हूँ कि देश में जो है हाई स्पीड का जो आधुनिक रेल की संभावना है इसके बारे में लोगों ने नहीं सोचा था, परंतु हमारी सरकार ने कुछ ही वर्षों में देश को तेजस वंदे भारत जैसी आधुनिक रेल देने के साथ ही भविष्य में बुलेट ट्रेन चलाने की योजना बनाई है और जल्द ही देश मुंबई अहमदाबाद दिल्ली बनारस के बीच नए भारत की नई रेल को देखेगा। सभापति महोदय, इस वित्तीय बजट में भी भारत सरकार ये सरकार ने रेल विभाग ने रेलवे की उपयोगिता को समझते हुए बजट में लगभग 1,10,000 के करोड़ की रिकॉर्ड धनराशि को उपलब्ध कराया है। मैं इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बजट में नए भारत के लिए नई रेल नीति तैयार करने के बात कही गई है, साथ ही 2023 तक सभी ब्रॉडगेज 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया है। महोदय, माल ढुलाई को आसान बनाने की दिशा में सरकार ने फ्रेट कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई थी और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि बजट में सन 2022 तक इस फ्रेट कॉरिडोर का कार्य पूरा करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। आज सरकार की इच्छा शक्ति से जो काम कभी असंभव लगते थे वह भी संभव होते दिखाई दे रहे हैं और इसमें आम जन का विश्वास इस सरकार पर बढ़ता ही जा रहा है। उपसभापति महोदय, मैं झारखंड का निवासी हूँ और वहीं से सदन का सदस्य भी हूँ। महोदय, कुछ सप्ताह पूर्व झारखंड का गोड्डा जिला स्वतंत्रता के बाद पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ा है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये विकास के लिए अति आवश्यक रेल लाइन का कार्य पूरा कराया गया है। महोदय, मैं आपके माध्यम से झारखंड के कुछ अन्य अति आवश्यक रेल विषयों को माननीय रेल मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूँ। खत्म करिए, बस एक मिनट में खत्म, जल्द खत्म करिए, एक मिनट में खत्म कर रहा हूँ सर। वर्षों से रांची से चलकर के लोहरदगा, लोहरदगा से गुमला, जसपुर, छत्तीसगढ़ का और कोरबा का लाइन जो है वहाँ के लोगों का एकदम चिर प्रतीक्षित जो है मांगे हैं। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से
मैं मांग करता हूं कि पिछले दिनों में भी कहा गया था कि वो सर्वे का काम अब पूरा होगा, बजटीय प्रावधान हो गया है। मैं मांग करता हूं कि यह लाइन जो है वहां के आदिवासी, वहां के किसानों, वहां जो माइंस का क्षेत्र है, ऐसे सारे लोगों के लिए उपयोगी होगा, इसलिए इस रेल परियोजना को कराने का कृपा करेंगे। साथ ही महोदय, माननीय समीर जी खत्म करिए, बस एक मिनट। साथी महोदय, ये जो हमारे माननीय रामविचार नेताम जी ने जो मांगे की थी कि चिरीमिरी से बरवाड़ी लाइन, वो भी बहुत वर्षों से आजादी के पहले से वो धन्यवाद जो प्रोजेक्टेड है उसको भी पूरा करें। दूसरे स्पीकर को बुला रहा हूं, धन्यवाद। इसलिए प्लीज ये मैं रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि इन सारे योजनाओं को फौजिया खान जी जो है, प्लीज डॉक्टर फौजिया खान जी।